सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज एक साल बाद, क्योंकि कल मैम का कॉल आया। मैम कॉल करके बोल रही है कि अपार बेटा कॉलेज आना है कि नहीं आना है, कि तुम्हारा नाम काट दें। मैंने कहा मैम नाम ना काटिए, एक दिन के लिए कॉलेज आ जाते हैं, आपके ऊपर भी थोड़ा एहसान कर दें। तो चलते कॉलेज, थोड़ा कॉलेज भी घूम लोगे तुम लोग। वो वाले तो चेक कर ली इंस्टाग्राम ने। कॉलेज कम लगता है भाई, ये स्कूल ज्यादा लगता है मेरे को। हैं? भैया आकाश की केटीएम कब आएगी? क्लास में जाने से पहला रिचुअल होता है गाइस टॉयलेट जाने का। उसके बाद भाई उसके बाद भाई पे एक पीरियड वेस्ट करने का। गाइस मेरे आने की खुशी में देखिए सफाई हो रही है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। गाइस मैम पढ़ा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। ये देखिए नितीश किसके बगल, नितीश गाइस ये लड़का मैम को टीवी चलाना सिखा रहा है। मैं इसको कह रहा हूँ कोई पिक्चर विक्चर लगा तो लगाने नहीं दे रहा। देखो मैम दिख रही है गाइस, मैम फिर से आ गई। मैम डिलीट कर दे रही है, जो लिख रहे हो डिलीट होता जा रहा है। तो देख लिया भाई, देख लिया मैम ने, देख लिया। ओए नितीश, नितीश रब करके आओ, रब करके आओ। वो देखो गाइस ये फैसला, गाइस ये देखो इसने भी जूता पहना है, मैंने भी जूता पहना है। वो देखिए वो चप्पल पहना हुआ है। गोवा आए हो क्या? गोवा में आए हो? What the fuck? गाइस मैम कुछ सोच के आई थी कि क्या लिखना है, लेकिन अब लग रहा है भूल गई है, सोच नहीं है बहुत ध्यान से। ये देखो ये मेरा कॉलेज और मैम ने बच्चे को बाहर निकाल दिया, ये दिखाते हैं। अरे तुमको चेंज भी कर दिया मैम ने। ये देखो अभी नया ब्लॉगिंग चैनल खोला है मैंने, कहाँ डालूंगा ब्लॉग। तो गाइस बोर हो गए थे हम लोग, तुम लोग बाहर टहलने निकल आए। अब ये हर्ष बैठे थे इनके साथ, शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे आने खुशी में यहाँ पे अभी दो हफ्ते भैंस चलेगी तब ये खाली होगा।